झमाझम बारिश के बीच आपकी सरकार आपके द्वार का आयोजन कसरावद विधानसभा में हुआ, जहां कृषि मंत्री सचिन यादव ने लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका निवारण किया। आपकी सरकार आपके द्वार के कार्यक्रम के अंतर्गत आज का आयोजन कृषि मंत्री सचिन यादव के विधानसभा क्षेत्र कसरावद के मगरखेड़ी ग्राम में किया गया। इसमें हितग्राहियों को सॉइल कार्ड, ऋण पुस्तिका, एलपीजी गैस कनेक्शन हितग्राहियों को दिए गए। सचिन यादव ने अपने भाषण में कहा कि कमलनाथ सरकार वचन से चलते वाली सरकार है और इसी तरीके से हम अपने वचन निभाएंगे। आपकी सरकार आपके द्वार के कार्यक्रम के अंतर्गत 698 आवेदन प्राप्त हुए। इस कार्यक्रम में कलेक्टर गोपाल डाट, एसपी समेत बड़े आला अधिकारी मौजूद रहे। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। आपकी सरकार आपके द्वार, इसके पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ही उद्देश्य, एक ही लक्ष्य है कि हम जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं लागू कर रहे हैं उन योजनाओं का असर जमीन पर दिखाई देना चाहिए, लोगों के बीच में दिखाई देना चाहिए और इसीलिए आज ये कार्यक्रम का आयोजन आदरणीय साथियों किया। अभी मैंने जानकारी प्राप्त करी, लगभग 500 से अधिक आवेदन जो है आज के इस कार्यक्रम में हमें मिले हैं और उसमें से 698 आवेदन हमको प्राप्त हुए हैं। और देखिए, इस सरकार का काम करने का तरीका, बहुत सारे ऐसे आवेदन जो हमारे पात्र साथी हैं लेकिन उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था, उनका तत्काल निराकरण करने का काम भी हमने शिविर के अंदर किया है। आदरणीय साथी, आप कल्पना करेंगे, आप ताज्जुब करेंगे, कितनी जल्दी, इतनी तेजी से इन समस्याओं का निराकरण कैसे हो सकता है। आदरणीय साथियों, ये कमलनाथ जी की सरकार है, ये कांग्रेस की सरकार है, ये हमारे गरीबों की सरकार है, हमारे किसानों की, हमारे युवाओं की सरकार है। सरकार हमारे प्रदेश की जनता के प्रति बड़े संवेदनशील है और ये सरकार ये चाहती है कि हम जितनी भी योजना हम लागू कर रहे हैं उन योजनाओं का लाभ हमारे जनता को मिलना चाहिए, अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को मिलना चाहिए और इसीलिए ये आपकी सरकार आपको द्वार जो है कार्यक्रम का स्वीकार करता है और इसमें कोशिश ये प्रयास है कि जितने भी हमारे प्रदेशवासी हैं जो भी आवेदन को लेकर के आए हैं उन आवेदनों का तत्काल जो है स्पॉट पर उसका निराकरण कर सके, ये प्रयास सरकार का है ताकि हमारे किसानों को, हमारे प्रदेशवासियों को, हमारे उनका योजनाओं का लाभ मिल सके, योजनाओं से वो जुड़ सके और माननीय मुख्यमंत्री की जो मंशा है मंशा के अनुसार जो है उनको राहत। तो माध्यम आप मुख्यमंत्री जी ने भी अभी किसानों को चिट्ठी लिखी थी मीडिया के माध्यम से, इस प्रकार के देखिए ये एक बहुत ही बड़ी और घटक स्तर की योजना है और इस योजना में प्रथम चरण में हमारी सरकार ने 20 लाख से अधिक किसानों को ऋण माफ करने का काम किया, जिसमें 2 लाख रुपए तक के इनके खाते और 50,000 रुपए तक के चालू खातों पर ऋण माफ करने का काम हमारी सरकार ने किया। अब इस योजना को आगे बढ़ाते हुए अब हम हमारी सरकार जो है हमारे जितने भी किसान साथी जो हमारे अन्नदाता हैं उनका 2 लाख रुपए तक का, जिनका सहकारी बैंकों का और जिनका ग्रामीण बैंकों का ऋण है उनको ऋण को माफ करने का काम। डॉक्टर गोविंद सिंह ने बयान दिया है कि खनिज माफिया जो है वो सक्रिय है और उसके चलते वो भी हार चुके, खनिज पर प्रतिबंध नहीं लगा पा रहे हैं, तो क्या मानते हैं आप इस तरह से जो अवैध उत्खनन है उस पर सरकार भी अब नाकाम होने लगी है? देखिए, अभी सरकार को काम करने के लिए बहुत कम समय है, पिछले 15 साल की अव्यवस्था हमको विरासत में मिली है, पिछले 15 साल का अराजकता हमको विरासत में मिली है और जिस तंत्र का, जिस प्रशासन का काम लोगों की सुनवाई करने का, लोगों को न्याय दिलाने का काम था, कहीं ना कहीं उसमें कमी हमको देखने को मिली है। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी प्रशासनिक कसावट करने का काम कर रहे हैं और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि शीघ्र ही जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुसार जो है हमारा प्रशासन जो है लोगों को न्याय दिलाने का काम कर रहा है। राहुल गांधी जी श्रीनगर गए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।